एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। मैं श्रीकांत कराड़ आज ये प्रस्तावना देते हुए माइक उनके पास देता हूँ। संदीप जी धन्यवाद। आज हमारे बीच में मौजूद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश जी टिकेत साहब, श्रीकांत तराल जी, लक्ष्मण वंगे जी और ये जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है उसके साथ साथ में जो दिल्ली में कॉल दिया जाता है उसको नागपुर में इंप्लीमेंट जो किया जाता है, तो अरुण वनकर जी हमारे साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। ये जो आंदोलन चल रहा है इसका बेस ऐसा है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं है। मेरा घर है सांगली डिस्ट्रिक्ट में लेकिन कॉल दिया था जन जागरण पकौड़ा, तो इसके लिए हम महाराष्ट्र में आए हैं और 20 तारीख तक हम महाराष्ट्र में हैं। ये हमारा एक पोल खोल यात्रा करके चल रही है। ये जो बिल है जैसे कि कुछ लोगों ने बिल कैसे अच्छे हैं ये बताने के लिए पूरे देश में अलग अलग जगह पे प्रेस वार्ता करी, अलग अलग जगह पे बैठकें करी, अलग अलग जगह पे वहां पे रैलियां करी, तो किसानों के अंदर जो गलत फहमियां फैलाई जा रही है ये गलत फहमियां निकाल के ये बिल कैसे किसान विरोधी है ये समझाने के लिए महाराष्ट्र में जो पोल पोल यात्रा चल रही है उसका एक कार्यक्रम था कि नागपुर में आज ये प्रेस वार्ता करेंगे ताकि यहाँ के जो कार्यकर्ता है उनको भी ये समझ में आए कि क्या क्या इश्यूज इस बिल के अंदर है। जैसे किसान टोटल जो है मजदूर बनेगा ये इश्यू है। अब तक विदर्भ के सभी जिलों से भारत बंद में भी अच्छा सहयोग मिला, सभी महाराष्ट्र के पूरे जिलों से सहयोग मिला, नागपुर में भी कल अच्छा आंदोलन चला, 15 तारीख का जो बिल जलाने का कॉल था उसको भी अच्छा सपोर्ट मिला और सभी संगठन एक साथ में काम कर रहे हैं। बेसिकली 18 जनवरी को महिला किसान सम्मान दिवस जो है उस उपलक्ष्य में ज्यादा से ज्यादा जहां जहां पे जिला कार्यालय पे धरने चल रहे हैं महिला किसान ज्यादा से जाए ज्यादा उसमें शामिल हो जाए उस हिसाब से हमारी तैयारी रहेगी। जो संयुक्त किसान मोर्चा का 23 जनवरी का कॉल है 1000 ट्रैक्टर लेके राजभवन को घेराव करने का, तो राजभवन को महाराष्ट्र में भी 1000 ट्रैक्टर लेके हम घेराव करने का प्लानिंग का उसका चल रहा है। और 26 जनवरी को अभी मेरी अरुण जी से बात हुई है, प्रशांत जी भी है यहाँ के जय जवान जय किसान संगठन के, तो ये सभी संगठन साथ में मिलकर नागपुर में भी बहुत बड़ा ट्रैक्टर मार्च जो है ट्रैक्टर परेड यहाँ पे की जाएगी। नेशनल लेवल पे कैसे परेड निकल रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या हो रहा है, हर महाराष्ट्र में भी उस हिसाब से हर एक डिस्ट्रिक्ट में 26 जनवरी को ट्रैक्टर की परेड जो है वो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर जितने संगठन शामिल है वो अपने स्थानीय स्तर पर जिला कलेक्टर कचहरी के उधर ट्रैक्टर परेड जो है उस हिसाब से करने वाले हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनकी जो जयंती है उनके उपलक्ष्य में हमारा जो प्रोग्राम है 23 जनवरी का राजभवन घेराव का 1000 ट्रैक्टर का है, तो उसको थोड़ा सा हम महाराष्ट्र का जो कावा बोलते हैं गनीमी कावा उस हिसाब से अभी हम ये नहीं कर रहे हैं, घोषित नहीं कर रहे हैं कि कौन सा राजभवन है, मुंबई का राजभवन है, पुणे का राजभवन है या नागपुर का है, लेकिन गनीमी कावा हम उसमें इस्तेमाल करके राजभवन को घेराव जो है 1000 ट्रैक्टर्स लेके उसमें किया जाएगा।
जो नेशनल लेवल का जो प्रोग्राम चल रहे हैं, तो राकेश जी आप भी राकेश जी से बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे जो राकेश जी से आप सुनना चाहेंगे। धन्यवाद सभी प्रेस के लोगों का और सभी जो साथी हैं, जो किसान मोर्चे के जो साथी हैं और जिन्होंने बड़ी तैयारी के साथ में दिल्ली से उनको यहाँ पर भेजा गया है, संदीप जी वो सभी अपने जितने भी साथी हैं, ये कई कई दिन दिल्ली रह का है, इनको कहा कि आप अपने स्टेट में जाओ वहाँ पर काम करो। सभी यहाँ पे जो किसान लोग आए हैं, सभी जो साथी अलग अलग मूवमेंट चलाते हैं, उनका बैनर अलग होगा, उनका झंडा अलग होगा, लेकिन उनकी विचारधारा एक है, गांव की विचारधारा है, गरीब की विचारधारा है, किसान की विचारधारा है। उन सभी साथियों का धन्यवाद है, नमस्कार है, जय महाराष्ट्र। और यहाँ पे दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं, अभी चार दिन पहले बॉम्बे में थी, फिर यहाँ पे हैं। और मुद्दा एक है कि इस मुद्दे से जो हमारे इंटीरियर के जो गाँव के लोग हैं जिनको कभी लाभ नहीं मिल पाया, वो भी इस आंदोलन से जुड़े हैं। ये एक वैचारिक क्रांति है और जो वैचारिक क्रांति दिल्ली में शुरू हुई, ये एक विचार से उत्पन्न क्रांति है, ये क्रांति कभी फैल नहीं होगी। जिस तरह से गांव के लोग उससे जुड़े हुए हैं, पूर्ण रूप से अपनी बात हमको कह रहे हैं, फोन के माध्यम से बता रहे हैं, और एक भी किसान का ये मसला नहीं है कि हम इस आंदोलन से समझौता या सिलसिलेवार बात करके हम वापसी आए। उनका एक इश्यू है कि तीन बिल जो है ये बिल वापसी हो, इनके साथ में और बिल भी हैं, पेस्टिसाइड बिल है, इलेक्ट्रॉनिक बिल है, इनके साथ में कुछ एनजीटी के बिल हैं, कुछ सीड बिल हैं, तीन बिल मेन है, इसके बाद में जो पाइपलाइन में जो बिल है, जो आने वाले बिल हैं, वे पूर्ण रूप से रुके, ये तीन बिल भारत सरकार वापसी ले, नए बिल ना बने, ये बड़ा इशू है। एमएसपी जो एक बड़ा सवाल है एमएसपी का, जो महाराष्ट्र या दूसरे देश के किसी किसान को उसका ज्यादा लाभ नहीं मिल पाया, वो एक बड़ा सवाल है पूरे देश के किसानों के लिए कि एमएसपी देश में लागू हो, वो कानूनी रूप से लागू हो। भारत सरकार उसमें बार बार उलझाती है कि हम लिखित में देने को तैयार है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, हम खत्म की बात नहीं कर रहे, एमएसपी कानूनन गारंटी चाहिए, मतलब एमएसपी पे कानून नहीं और तीन उस पर कानून बनाओगे, व्यापारी को कानून की सपोर्ट से सपोर्ट करेगी भारत सरकार और किसानों को खुले बाजार में छोड़ देगी कि व्यापारी इसको आनकर लूटे। जिस देश में कानून बनने से पहले गोदाम बन गए हो, यहाँ के व्यापारियों की पहुंच प्रधानमंत्री के कार्यालय तक हो, तो ये देश के किसान को मंजूर नहीं है। आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन में करीब 10 दौर की वार्ता हो चुकी है, सरकार पूर्ण रूप से अड़ियल रुक कर रही है। आज भी जो अभी दिखाया मेरे भाई ने कि कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि हम संशोधन पर तैयार हैं, बिल वापसी पर तैयार नहीं, तो ये आंदोलन लंबा चलेगा। इस आंदोलन को अब किसान अपने विचार से जोड़े कि अगर कई लाख आदमी दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया है, सरकार की कौन सी मजबूरी है कि बिल वापसी नहीं ले रही, तो इससे लगता है कि आंदोलन और लंबा चलेगा। और वहां के भी किसानों ने पूरी तैयारी कर ली और पूरा नारा दे दिया देश के किसान ने कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, तो कोई भी किसान वहां से घर जाने को तैयार नहीं है। जितनी भी हमारी जत्थेबंदी है, करीब 550 से ज्यादा किसान संगठन देश के इस मूवमेंट से जुड़ चुके हैं, वे अपना झंडा ले रहे हैं, अपना बैनर ले रहे हैं, अपना नाम ले रहे हैं, अपना बिल्ला ले रहे हैं, सब इससे जुड़े हैं। जो वहां पर दिल्ली नहीं जा सकता, वो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, डीसी के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, ब्लॉक में, अपने गांव में विचार से इस आंदोलन में जुड़े, ये वैचारिक क्रांति है और वैचारिक क्रांति बंदूक से खत्म नहीं होगी। ये हमारे बड़े इशू है, इन इशू के साथ में हम
नागपुर में भी आए, दूसरी जगह भी हमारे लोग जा रहे, कर्नाटक में भी कल मीटिंग बेंगलोर में थी, वहाँ पे भी हमारे लोग वहाँ पे हैं, और पूरे देश भर का आंदोलन इसमें है। जो नज़दीक के स्टेट हैं वे दिल्ली के चारों तरफ है, और जो बाहर के स्टेट हैं वे आप अपने स्टेट में आंदोलन को चला रहे हैं। तो इन्हीं इशू के साथ हम यहाँ पाए कि तीन बिल जो है इनसे बेहद ज़्यादा नुकसान किसान को होगा, किसान की जमीन भी जाएगी। जिस तरह के एपीओज बने हैं, तैयार हुए हैं, उनके लिए लाखों करोड़ रुपया की व्यवस्था करी गई है, वो एक कंपनी का ही स्वरूप है। किसानों को बांधने की प्रक्रिया है, जो किसान किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी बनवाता है, अगर उसको 50,000 रुपए चाहिए तो उसमें करीब 100 से ज़्यादा उससे साइन करवाए जाते हैं। वो किसान तो अपने लास्ट तक साइन करने भी भूल जाता है, वो उन एग्रीमेंट को पढ़ ही नहीं सकता, उसकी भाषा में एग्रीमेंट नहीं है, बहुत छोटे उसमें एग्रीमेंट है, उसको तो सी और वकील पढ़ सकता है, किसान तो पढ़ ही नहीं सकता, वो इन कानूनों को कैसे पढ़ लगा। हमारा पूर्ण रूप से है कि कानून वापसी करे सरकार, नया कानून बनाना होगा तो नया कानून बनाएंगे, किसानों की सहमति से कानून बनेगा, एमएसपी पे कानून बने, बिजली संशोधन जो एक्ट आ रहा है उसको खत्म करें, पेस्टिसाइड जो बिल आ रहा है उसको खत्म करें, जो सीड बिल लाने की तैयारी है वे ना लाए जाए। एक बड़ी लड़ाई किसानों की है और पूरे देश भर का किसानों से समर्थन ये मोर्चा चाहता है कि आप अपने वहाँ पे इस आंदोलन में शरीक हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे जी, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी क्यों ये आंदोलन हो रहा है, और दूसरी चीज किसानों को अपना हट छोड़कर बातचीत के लिए आगे आना चाहिए, क्लॉज वाइज चर्चा होनी चाहिए। देखो, क्लॉज वाइज वो पिछले 10 दौर की वार्ता होगी, वहां पे हमने ये कहा कि उसको लाइव टेलीकास्ट दिखाओ, वो लाइव चलना चाहिए, देश के सामने आना चाहिए, वो उससे हटते हैं। क्लोज वाइज चर्चा वो लोग करेंगे जिसको बिल से यह होगा कि हम इसको चेंज और कुछ वो करवा लें, वो हमारा सवाल है ही नहीं। हमारा सवाल है कि पूर्ण रूप से जो तीन बिल है ये खत्म सरकार को करने पड़ेंगे, सरकार को फार्मूला ही बनाना पड़ेगा कि कब इसको खत्म करेंगे। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि किसान का नाम लिया कोर्ट में, लेकिन जो कमेटी बनी है वह कमेटी कौन है? उस कमेटी के हर सदस्य ने बिल का समर्थन किया है, अपना लेटर पैड पे सरकार को लिख कर दिया है, और हमको कोर्ट की बनी हुई कमेटी के सामने नहीं जाना हमको। और ये सरकार ने भी मान लिया, जब अभी 15 तारीख में हम गए थे, जब उनसे बातचीत हुई, भारत सरकार के उन्हीं मंत्रियों ने ये कहा कि अब इसका समाधान सरकार और किसान बैठकर करेंगे और हम कोर्ट को अपना वो दे देंगे। कोर्ट में हमारा सवाल था ही नहीं, कोर्ट में हम गए ही नहीं, कोर्ट में सरकार के ही कुछ लोग सरकार के ही प्रोजेक्ट तरीके से कोर्ट में जाने की कोशिश करी, हम कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हमको कहा है कि आपका आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से, आप अपना आंदोलन चलाते रहे। हमने बार बार कहा कि हमारा जो आंदोलन है वो तीन बिलों को वापसी का है, किसी ने जो कोर्ट में वो डाल लिए वो ये डाल लिए कि ये कोर्ट पार्लियामेंट में गलत तरीके से बनाए गए हैं। हमने तो कानून मान लिए कि कानून पार्लियामेंट से बने हैं और पार्लियामेंट से ही कानून खत्म होंगे। हमारा इशू है कानून खत्म करवाने का, हम बगैर खत्म करवाए कानूनों को जाएंगे नहीं। नहीं, कोर्ट एक बड़ी चीज होती है, कोर्ट को मध्यस्थता थोड़ा करनी चाहिए। कोर्ट नहीं, नहीं नहीं, हम कोर्ट के वो नहीं, ना उसमें जाना चाहिए ना कोर्ट के उसमें हम बोलते। हमारी डिमांड भारत सरकार से है और भारत सरकार से ही हम ये काम करवाएंगे। जिस तरीके से बिल आए हैं अमेंडमेंट से, जो बिल आए है, बिल ऑर्डिनेंस आए हैं और पार्लियामेंट ने पास करे, ऑर्डिनेंस जाए पार्लियामेंट से ही बिल खत्म होंगे। हाँ हाँ, ये तो ठीक चीज है भाई, सरकार पे अभी बहुत एजेंसियां हैं,
जो आंदोलन करेंगे, जब देश आजादी हुई तो उसमें तो फांसी भी हुई थी आंदोलनकारियों को ही ना, व्यापारियों को तो किसी को फांसी नहीं हुई। तो ये तो बहुत आगे तक बढ़ेगा। जिसको भी आंदोलन में रहना होगा वो अपने पूरी तैयारी के साथ में मुकदमे से लगा के, सजा से लगा के, प्रॉपर्टी सीज होने से लगा के वो इस आंदोलन में रहेगा। जिसको इस चीज से डर लगता है वो आंदोलन छोड़ सकता है। हाँ, कुछ भी कर सकती है वो। कभी खालिस्तान का नाम लेती है, कभी वो पाकिस्तान का नाम लेती है, कभी वो पंजाब के किसान बताती है, कभी वो पूरे देश के किसान से अलग मूवमेंट बताती है, कभी वो छोटा किसान बताती है, कभी बड़ा बताती है, कभी कहते हैं कि एमएसपी का लाभ तो पंजाब और हरियाणा के किसान ने लिया है, दूसरे ने नहीं लिया, ये आंदोलन उन्हीं का ही है। ये आंदोलन पूरे देश के किसानों का आंदोलन है। और हमारी सेंट्रल इंटेलिजेंस पुलिस फोर्स इतनी कमजोर नहीं कि कोई विदेशी या आके उस विचारधारा का आदमी आके और हम उसको बकस देंगे या हमारी पुलिस फोर्स बकस देगी। ये पुलिस फोर्स पे भी सवाल खड़े ना करें। हमारा पूर्ण रूप से मजबूत संगठन है, मजबूत पूर्ण रूप से हमारी पुलिस फोर्स है और इस तरह के विचारधारा की किसी भी आदमी को वहां पर जगह नहीं है। नहीं नहीं, उत्तराखंड के लोग वहां पे हैं। वहां पे ऐसा ना, सरदार का मतलब, पगड़ी का मतलब पंजाब नहीं है, पहली चीज ये समझ लेनी चाहिए सबको। वो एक संगठित लोग हैं। वे उत्तर प्रदेश में भी हैं, वे मध्य प्रदेश में भी हैं, वे उत्तराखंड में भी हैं, और भी बहुत लोग हैं, सब लोग इसमें जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में उतना इसका प्रभाव नहीं दिख रहा, गुजरात में नहीं दिख रहा, दक्षिण में नहीं दिख रहा, तो इसकी नहीं नहीं, यहाँ पे पुलिस फोर्स बहुत स्टेट में पुलिस नहीं जाने देती, वहां पर लोग जाना चाहते हैं, ट्रेन नहीं चल रही। एक बड़ा सवाल यह है कि ट्रेन नहीं चल रही। रिजर्वेशन अगर मध्य प्रदेश के लोगों ने 40 रिजर्वेशन इकट्ठे करे हैं तो हर गांव पंचायत को यह बता दे कि आपके गांव से दिल्ली आंदोलन में कौन जा रहा है। सरपंच की जिम्मेदारी लगा दी, पुलिस के थाने की जिम्मेदारी लगा दी। वहां अगर कोई आंदोलन कर रहा है उसके पूर्ण रूप से पुलिस उसके घर पर बैठी है। और हालात यह है कि पुलिस या तो डराने का काम करती है, अगर आदमी नहीं डरा तो पुलिस के थानेदार उसके घर पर जाकर बैठ जाते हैं, वहीं पर ही खाना खाते हैं, वहां के रिश्तेदार उसे उसकी बात करवाते हैं और ये कहते हैं कि मेरी नौकरी का सवाल है, आप मत जाओ। मतलब ट्रैक्टर जोड़ के किसान अपने घर से चल दिया, उसके रिश्तेदार उससे फोन करवा करवा के कि भाई आज मत जाओ। तो जब एक दिन वो होगा फिर नया प्रोग्राम बनाने के लिए उसको फिर 5 दिन लगते हैं। तो पुलिस प्रशासन हर हथकंडा अपना रहा है। नहीं नहीं, महाराष्ट्र में अभी आंदोलन हमारा जो पोल खोल आंदोलन चल रहा है वो हमारा चल रहा है। नहीं, पुलिस करती है वो, यहाँ भी नहीं, यहाँ पे भी पुलिस का रोल तो सब जगह वो ही रहता है। वो जाती है पकड़ कर छोड़ देती है, वो भी है, लेकिन यहाँ पे उस तरह का नहीं है ज्यादा। और किसान यहाँ पे कर रहा है, जो अलग अलग मोर्चे बंदी है, अलग अलग जो लोग हैं, संगठन है, वे आप अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे लोग लगे हुए हैं अपने सब लोग। नहीं नहीं, वो जो 1000 आदमी का जो सवाल आया है वो नहीं नहीं, वो सरकार का सरकारी जो लोग थे वे लोग हमारे पास में आए थे। जो वहां का जो सवाल था ये सवाल था वहां पे, उन्होंने ये कहा कि अगर कोई ऑर्डर आएगा और आपको यहां से हटाना पड़ेगा तो सरकार ये मानती है कि इसमें हजारों लोग मारे जाएंगे। ये सरकार का था कि अगर इसको जबरदस्ती हटाना पड़ेगा इस आंदोलन को
तो इसमें हजारों लोग मारे जाएंगे, ये गवर्नमेंट का तरफ से था। ये कोई रास्ता नहीं है, मध्यस्थता पूर्ण रूप से खत्म होगी सरकार की, हमारी बात आमने सामने हो रही, मध्यस्थता की है ही नहीं। नहीं नहीं कोई गुंजाइश नहीं है, बिल जितने भी बिल है ये वापसी लेने पड़ेंगे, तीन बिल जो आगे हैं इनको वापसी लेना पड़ेगा, नए बिल नहीं आएंगे, बिजली अमिटमेंट बिल है वो भी नहीं आएगा, जो 10 साल पुराना ट्रैक्टर आप सोच सकते हो किस तरह के बिल आ रहे, एनजीटी के कानून में 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलेगा ये बिल है, मतलब कौन आदमी है कि 10 साल में ट्रैक्टर बदल देगा, ये पूरा खेती को बर्बाद करने का प्लान है उनका, और ये उनको बर्बाद किसानों को नहीं होने देंगे। सर, हाँ सुरक्षा एजेंसियों ने कहा कि ये परमिशन किसी प्रकार की नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या ट्रैक्टर मार्च होगा? किसान कभी भी आंदोलन की परमिशन नहीं लेता, किसान नहीं परमिशन लेगा। हमने कहा कि शॉर्ट उन्होंने परेड करी है, अब की बार राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक परेड करी है, हमने कहा कि आगे की परेड हम कर देंगे, देश की परेड छोटी कैसे होगी, बड़ा देश है, 70 साल से परेड हम बड़ी करते आ रहे, हमको आगे की जाने की हमको दे दो, अब भाई वहां तक टैंक से करो, आगे ट्रैक्टर से करेंगे, देश का किसान पे ट्रैक्टर पे तिरंगा झंडा ना लगे ये तो नहीं हो सकता कि 26 तारीख को देश के ट्रैक्टर पे तिरंगा झंडा लगे, जो ट्रैक्टर हमारा खेत में काम करता है वो भी दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर चला जाएगा। 2024 मई, कहाँ पैसा तो लगता ही नहीं, किस चीज में पैसा लगेगा भाई, हम खाना खा रहे वो घर पे भी खाएंगे, हमारे घर वालों ने कह दिया हमारा जो वो है वो हमको वहां पर दे दो, रोटी तो खाएगा। नहीं नहीं वहां देखो, वहां सब एक तरह का किसान है, वहां हिंदुस्तान का किसान है, वहां गरीब और अमीर की बात ही नहीं है, सबके ऊपर प्लास्टिक की पन्नी पड़ी हुई है, वहां कोई बिल्डिंग तो है नहीं किसी की। पूरे देश का जो सवाल है वो ये है कि MSP पे कानून बने, तीन बिल वापसी हो, ये सवाल है, ये तो पूरे देश का सवाल है। नहीं, बिल बन रहे थे उसी टाइम पे आंदोलन देश में शुरू हो गए थे, और इतना बड़ा आंदोलन 32 साल में ये आंदोलन शुरू हुआ है। नहीं नहीं दिल्ली में कैसे कर सकते थे, दिल्ली में तो इकट्ठे हुए हैं ना, इकट्ठा होने में पंजाब हरियाणा में उत्तर प्रदेश में इन जगह आंदोलन 2 महीने पहले से चल गए थे, शुरू हो गए थे, तो जब आंदोलन शुरू हुए वहां पे जब ही तो दिल्ली की तरफ रुक करा, उन्होंने कहा कि यहां से कुछ नहीं होगा आप दिल्ली की तरफ कुचलो, तो चारों तरफ से जो कई हजार ट्रैक्टर दिल्ली के चारों तरफ हुए हैं, तो 2 महीने की तैयारी तो हुई। वो नहीं नहीं विपक्ष का जो काम है वो करना चाहिए, विपक्ष क्या करेगा, विपक्ष भी ठाली बैठा अपना काम करो, उनको मंच नहीं है वे अपना आंदोलन करें जहां पे भी उनको करना है। उन्हें करने दो जो उनको कहना है, सरकार को उससे कोई मतलब नहीं, विपक्ष का क्या काम है, और भाई देश में विपक्ष कमजोर है जब ही तो आंदोलन खड़ा हो गया, अगर देश में मजबूत विपक्ष होता तो ये आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ किसान सब सारे सड़कों पर तो खेतों में उत्पादन कम होने की आशंका है इस बार की फसल क्या? नहीं नहीं हम किसान पालीवाज कायम करते थे बांट के साझे में, तो ऐसे ही किसान काम कर रहा, जो किसान यहाँ पे है उसके घर का कोई नुकसान नहीं हो रहा, उसको पानी चलाना है तो पड़ोसी उसके घर का पानी चला पानी चलाता है वहां पर किसान, और जब उसको घर पे काम होता है तो यहाँ से चला जाता है, फिर दूसरा किसान आ जाता है। यहाँ के जो हमारे स्टेट के जो है ना किसान नेता
ये बहुत बड़े सौदागर है, आप ऐसे ईमानदार किसान नेता कि यहाँ पर हमारे को मारा? नहीं नहीं, वो तो अब है ही नहीं, उस वो विचारधारा है ही नहीं, सब है यहाँ, कोई नहीं, सारे किसान ठीक, कोई नहीं, सब ईमानदार है यहाँ पर, कोई नहीं। अच्छा, हमारा दूसरा सवाल ये है कि किसी पार्टी के खिलाफ ये आंदोलन नहीं है, हमने सब पार्टियों को कहा, सारी पार्टियों का हमने, सब पार्टी हमको समर्थन कर रही है, वो चाहे कोई पार्टी हो, कोई ये समझे कि ये किसी बीजेपी के खिलाफ मूवमेंट है, किसी कांग्रेस के हैं या शिवसेना के खिलाफ है ना, हमारा पॉलिसी जो है वो सरकार बनाती है, सरकार किसी पार्टी की नहीं होती है, भारत सरकार है या स्टेट गवर्नमेंट है, कोई भी पॉलिसी होती है हम सबसे बात करते हैं उनसे, और सारी पार्टियों का हमको समर्थन है। नहीं नहीं, एक भी किसान संगठन जो राजनीति करता है वो अगर इस आंदोलन को छोड़कर जाएगा, जिसने करीब 550 संगठन है, एक भी संगठन नहीं है, कोई व्यक्ति हो सकता है, वो ज्यादा ही उसकी विचारधारा किसी पार्टी से बंधी हुई होगी, वो होगा, ये देश के किसानों का आंदोलन है, ना इसको कोई पार्टी छोड़ेगी, ना इसको किसान संगठन छोड़ेगा, और जितने भी जत्थेबंदी हैं, एक भी आदमी इस आंदोलन को छोड़कर नहीं जाएगा। नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि हमारा समर्थन है, अंदर हजारे एक बड़े लीडर हैं और वे, उनका समर्थन मिल गया तो वो भी बड़ी चीज है, वो जहाँ पे धरना करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। नहीं नहीं, इजाजत मानने की किसकी जरूरत है भाई, वो देखो इसमें आंदोलन और आंदोलनकारी, वो कहीं से भी आंदोलन कर सकता है, जहाँ पे चाहे आंदोलन करे। हाँ हाँ, क्वेश्चन आप रुक जाओ, प्रेस के लोगों को पूछ लेने दो। नहीं नहीं, समिति कोई भी बना लो, हमको कोर्ट का सम्मान करते हुए हम समिति में नहीं जाएंगे। मंगलवार की बैठक जो भारत सरकार के साथ में होगी 19 तारीख को, उसमें जाएंगे। कानून बनाने का हक स्टेट को भी होता है, सेंट्रल को भी होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कानून बना दिया है। अब कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन हम स्टेट के ऊपर सौंप देते हैं, जैसा पंजाब ने कह दिया कि हम नहीं मानेंगे, राजस्थान बोल रहा है कि हम ये कानून नहीं लागू करेंगे, पश्चिम बंगाल में ममता जी ने बोला कि कानून हम मानेंगे नहीं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये कानून की वजह से हमारा जो एक फेडरल स्ट्रक्चर है, संघराज्यात्मक जिसे कहते हैं, इट्स अ पॉलिटिकल क्वेश्चन रिगार्डिंग, और ये तीन कानून की वजह से हमारा जो संघात्मक ढांचा है कहीं तो भी कमजोर हो रहा है? क्या आप ऐसा नहीं मानते कि अलग अलग राज्य अपना अलग अलग सुर बजा रहे, बाजा बजा रहे, जिसकी वजह से हमारा जो सेंट्रल का एक स्टेट ये तो पूर्ण रूप से पॉलिटिकल इशू है, ये जो आपने बताया, हमारा ये सवाल ही नहीं है कि कौन स्टेट उसको लागू कर रहा कौन नहीं कर रहा, वो कानून भारत सरकार की पार्लियामेंट में बना है, भारत सरकार की पार्लियामेंट ही उसको खत्म करेगी, इसमें टाइम लगेगा, आंदोलन लंबा चलेगा, हम पूर्ण रूप से भारत सरकार से ही उस कानूनों को खत्म करवा कर जब ही जाएंगे, जब तक हम घर नहीं जाएंगे पूर्ण रूप से। नहीं नहीं, अभी तो 23-24 फसलें हैं, हमने प्याज की भी उसमें बात करी, हमने दूध का भी उसमें बात करी,
और भी जो फसलें हैं उसमें जोड़ने की हमने बात करी, सबको लाभकारी मूल्य मिले और बहुत फसलें एमएसपी पर जुड़े, एक रेट उसका पूर्ण रूप से तय हो जाए। और हमने ये नहीं कहा कि भारत सरकार पूरी फसलों की खरीद करेगी, ये गलत प्रचार वे करते हैं कि भारत सरकार को इतना बजट और देना पड़ेगा, ना, आप सिर्फ कानून बनाओ, जो भी व्यापारी उसके कम पे खरीद करेगा उसमें सजा का प्रावधान होगा, उसमें जुर्माने का प्रावधान होगा, व्यापारी लोग उसके कम पे खरीद नहीं करेगा, आप कानून बना दो। कानून तो देश में बहुत बन रहे हैं ना भाई, अगर कोई किसी का डंडा मारेगा तो 307 लगती है, कानून बना हुआ है, जब उसका कोई इस्तेमाल करेगा उस पर धारा लगेगी, तो आप कानून बना दो, कोई भी व्यापारी उसके कम पे खरीद नहीं करेगा। जो बड़े प्लेयर आ रहे हैं ना, कह रहे कि बड़ी बड़ी कंपनी आएगी, ये लूटने के लिए कंपनी आ रही, वे कहते हैं जी एमएसपी तो इससे अलग है पूर्ण रूप से, यही तो उसको क्लोज डालना है कि एमएसपी पे कानून नहीं है, व्यापारियों के गोदाम बन गए। और जब अनाज सोना साल भर में हम जो महिलाएं थी वो 10 से 15 बार यूज करती है, खाना जो तिजोरी में रखने का प्लान बना रहे हैं वो हम दिन में को 2 बार यूज करते हैं, तो व्यापारियों की नजर जो फूड चेन पे है, ये व्यापारियों की नजर इस पे नहीं लगने देंगे। जो व्यापारियों के आखिरी बादशाह जो प्लान बना रहे हैं, ये लुटेरों के आखिरी बादशाह होंगे उससे नहीं, ये आखिरी बादशाह है लुटेरों के, इसको जनता जान गई है, अब नाम नहीं उसका लेना चाहिए, लेकिन लुटेरों के आखिरी बादशाह कौन है सब पता है। स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन भी इसी में ही है कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो। ये 3-4 सवाल अभी है, बहुत है, ये तो बिल, ये 3 बिल नहीं है, ये कई बिल है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट भी है। देखो, देश के पीएमओ तक व्यापारियों की पहुंच होगी, प्रधानमंत्री से जो अधिकारी जो व्यापारी झूठ बुलवा सकता है, बिल तो उसके सामने कुछ भी नहीं, प्रधानमंत्री को गलत दस्तावेज देते हैं कि आप बोल दो और वो पूरा दस्तावेज गलत है। हाँ, प्रधानमंत्री को नहीं अभी आना चाहिए, प्रधानमंत्री को आना चाहिए जब समझौता हो जाए, उसके बीच में जब आना चाहिए, अभी नहीं आना चाहिए। हाँ, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।